जैसे कि अगर किसी को पुराने से पुराना बवासीर या फिर भकंदर की समस्या रहती है तब इस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दिया जाता है। और जैसे कि जब कोई मल त्यागने के लिए जाता है उस टाइम उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है एनल रीजन पे। और जैसे कि अगर हम बात करें मल त्याग करते समय उसे ब्लड की समस्या आता है, यानी अगर उसे खून आता है या फिर खूनी बवासीर हो या फिर बादी बवासीर हो, तब इस सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये टेबलेट मरीज को प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। चलिए अब हम आपको बताते हैं और इस टेबलेट का उपयोग किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या, यानी मरीज को और क्या दिक्कत और क्या तकलीफ रहता है, किस प्रकार के रोग रहता है या मरीज को कौन सा रोग रहता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये टेबलेट दिया जाता है। इस टेबलेट का डोज क्या होता है, इस टेबलेट का साइड इफेक्ट क्या होता है और इस टेबलेट का किस प्रकार के समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा मरीज को दिया जाता है, ये टेबलेट लेना कैसे होता है, एक दिन में ये टेबलेट कितना बार लेना होता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी देंगे। जैसे कि अगर किसी को बवासीर या फिर भकंदर की समस्या रहता है, जैसे कि अगर बवासीर या फिर भकंदर की समस्या किसी को एक साल, छः महीने, डेढ़ साल, दो साल से अगर उसे बवासीर या भकंदर की समस्या है तो ये मेडिसिन उसे जड़ से ठीक करने का काम करता है। जैसे कि बवासीर एक ऐसी समस्या है जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता है, जैसे कि अगर हम मल त्याग करने के लिए जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, मल त्याग करते समय आपने देखा होगा उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है और मल त्याग करते समय उसे उसके एनल रीजन पे काफ़ी ज़्यादा खुजली की समस्या रहती है, ईचिंग के जैसा महसूस होता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुजली रहती है, दर्द की समस्या रहता है। और जब वो मल त्याग करने के लिए जाता है तब भी आपने देखा होगा कि उसे काफ़ी ज़्यादा ब्लड की समस्या रहती है, खून आता है, तो इन सारी समस्याओं को एक प्रकार से ये जड़ से ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से भी अगर उसे लगातार एक महीने, दो महीने, तीन महीने, चार महीने, पाँच महीने से अगर उसे कंटिन्यू कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहता है तो उसकी वजह से भी उसे बवासीर, भकंदर जैसी समस्याएँ हो जाता है, तो इन सारी समस्याओं को एक प्रकार से ये ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि अगर किसी को का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर ठीक नहीं रहता, उसे गैस की समस्या रहती है, उसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं अपच की जैसी समस्या रहती है, कब्ज की समस्या रहती है, तो ये कब्ज और एसिडिटी की समस्या को भी ये मेडिसिन एक प्रकार से जड़ से ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि आपने देखा होगा जब किसी को कब्ज की समस्या रहती है तो जैसे वो खाना खाएगा तैसे वो शौच के लिए जाएगा, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो जैसे ही मल त्याग करने के लिए जाएगा तो उस टाइम उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या होगी। अगर उसे बवासीर की समस्या है तो आपने देखा होगा उस मल त्याग करते समय उसे काफ़ी ज़्यादा उसे ब्लड भी आता है, उसे दर्द है, और जैसे कि एनल रीजन पे खुजली की समस्या रहती है, वहाँ से आपने देखा होगा कि वो एक घंटा डेढ़ घंटा लगातार शौच के लिए जाता है तो फिर वहाँ पर वो बैठा रहता है, उसे एक प्रकार से बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, तो इन सारी समस्याओं को ये टेबलेट एक प्रकार से जड़ से ठीक करने का काम करता है। ये टेबलेट डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है बवासीर और भकंदर जैसी समस्याओं को ठीक करने का काम करता है। चलिए हम आपको एक बार फिर बता देते हैं बवासीर भकंदर जैसी समस्याओं को ये जो टेबलेट है जड़ से एक प्रकार से ठीक करने का काम करता है। मल त्याग करते समय अगर उसे ब्लड की समस्या आता है तो ये उसे उस समस्या को भी ठीक करने का काम करता है। आपने देखा होगा उसके एनल रीजन पे काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, खुजली चलती रहती है, तो इस समस्या को भी ये टेबलेट जड़ से ठीक करने का काम करता है। ये टेबलेट काफ़ी अच्छा टेबलेट होता है, डॉक्टर के द्वारा ये टेबलेट काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि खूनी बवासीर हो या फिर बादी बवासीर हो तो इन सारी समस्याओं को जो ये टेबलेट है एक प्रकार से ठीक करने का काम करता है। चलिए अब हम आपको इस मेडिसिन के डोज के बारे में बताते हैं। जैसे कि जो मेडिसिन का डोज होता है ये डॉक्टर के द्वारा मरीज की दिक्कत और उसकी समस्या और उसकी परेशानी को देखते हुए इस मेडिसिन का डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताया जाता है। लेकिन जो एडल्ट में इस मेडिसिन का डोज होता है ये डॉक्टर के द्वारा एक गोली सुबह और एक गोली शाम को लेने के लिए बताया जाता है। चलिए अब हम आपको इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं, इस दवा का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। जैसे कि इस दवा का कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, बट अगर आप ये दवा ओवरडोज की मात्रा में लेंगे तो आपका पेट खराब हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद की समस्या आ सकती है, आपको एक प्रकार से डायरिया की भी समस्या हो सकता है, आपके सिर में दर्द हो सकता है, इसके अलावा आपको और भी समस्या हो सकता है।
इसके अलावा यदि आपको और भी कोई दिक्कत और भी कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप अपनी जाएं, दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में दवा लें। कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन खुद से उपयोग ना करें।